हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम्स। एएफसी लीग का मैच हो रहा है जेएनबी वर्सेस उरावा रेड्स के बीच 3 घंटे 37 मिनट के बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। आज लगभग कम से कम 2-3 मैच हैं जैकपॉट, कम से कम। अब वो मतलब मैं आपको क्या बोलूँ इस मैच के रिलेटेड, ये तीनों जो मैच देख रहे हो, यूरोप लीग, सऊदी अरेबियन लीग एंड यूरोप लीग का सेकंड मैच, ये तीनों टॉप के मैच हैं, इनको मिस मत करना। कहीं आप सोचो कि ऐसे ही हैं, अपनी नींद में खो जाओ, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये मैच बहुत तगड़े हैं और जीतने का बहुत बड़ा चांस है आज, वो भी वीरवार को, है ना। आगे से बात करें इस मैच की, तो जेएनबी और उरावा रेड्स, एक्चुअली ये मैच मैं कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये 4 बजे है और 4 बजे मेरे को कोई काम है, इसलिए मैं ये मैच कवर नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो मैं इसकी टीम ज़रूर देता गाइस, बट इसकी वीडियो से ही आपको काम चलाना होगा। सबसे पहले बात करें गोलकीपर की, देन मैं फर्स्ट प्लेयर वॉज ली बियमसू। ली बियमसू इज़ अ नॉर्मल प्लेयर जो कि कंसिस्टेंसी में तो नहीं खेलता, अगर आप समझ रहे हैं कि कंसिस्टेंसी वाला परफॉर्मर है वो, इसलिए क्योंकि जेएनबी टीम बहुत अच्छी है। जेएनबी टीम जो है ना, मतलब अगर आपने ये, जैसे मैंने आज ये प्लेयर लिया है, तो कोई गारंटी नहीं कि ये चलेगा कि नहीं, क्योंकि निशिकावा भी है और जेएनबी टीम भी स्ट्रांग है। दोनों टीम्स अपना कंसिस्टेंसी में जीतती आ रही हैं। उरावा रेड्स ने लास्ट के 4 मैच जीते हैं और 4 मैच में से एक भी गोल नहीं खाया, रिटर्निंग गोल एक भी नहीं है। मतलब 4 मैच में पहले तो 18 गोल कर चुके हैं, 4 मैच में 18-19 गोल और एक भी गोल रिटर्न नहीं है, मतलब एक भी सामने वाली टीम ने गोल नहीं किया। मतलब आज विनिंग स्ट्रिक टूटेगी मेरे हिसाब से। आगे से अगर बात करें स्कॉल्स की, देन यहाँ पर है स्कॉल्स, अब अलेक्जेंडर स्कल्स जो कि इनका प्लेयर है, और इवन आमी, आपको पता है मैं लेने को मजबूर हो गया इन प्लेयर्स को। पहले मैंने कहा था कि मैं जेएनबी के फेवर में बनाऊंगा टीम, लेकिन जब मैंने उरावा रेड्स का स्क्वाड देखा ना, मैं हिल गया, क्योंकि स्क्वाड में बहुत दम है इनके। ये स्कॉल्स और इवन आमी, ये दिखने में भले ही जैसे मर्जी हो, लेकिन जब ये खेल में उतरते हैं ना मैदान पे, तो फिर बताते हैं क्या है। एंड के मून अवान की बात करें, एक्चुअली ये अपनी टीम का सबसे बड़ा वो है डिफेंडर, और इसकी रिस्पेक्ट भी बहुत है क्योंकि सबसे मेगा डिफेंडर है ये, इसलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ। और आगे से अगर बात करें बैरो की, बैरो पिछले मैच में कैप्टन था और आपको पहले ही बोल दिया था, और कैप्टन था एंड इसने पिछले मैच में बढ़िया खेला। हालांकि मेरी जीत का रीज़न ही यही था, लोगों ने कैप्टन रखा हुआ था स्ट्राइकर को या डिफेंडर को, और कई लोग थे जिनकी टीम में बैरो था ही नहीं, तो मैंने बैरो को कैप्टन रखा हुआ था, तो मैं ओपोनेंट से कम 150-200 पॉइंट की लीड में था, 150-200 पॉइंट्स की लीड पे। ऐसा मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया मैच जीते थे हम बैरो को कैप्टन रख के। एंड पी सिंह हो की बात करें, तो यहाँ पर पेक सिंह हो को ज़रूर लेना, इसका असिस्ट रेशियो अच्छा है, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि इसकी जगह डिफेंडर ले लूँगा, लेकिन जब मैंने उरावा रेड्स का स्क्वाड देखा तो मन बदल लिया। एंड आगे से बात करें ईटो की, ईटो पिछले मैच में मैंने लिया था एंड इसने असिस्ट किया था, और पहले ही बोला था कि ईटो अच्छा है। हालांकि लोग सिकाइन को ले रहे थे, कई लोग आकीमोटो को लेंगे, लेकिन आकीमोटो ने पिछले मैच में जो गोल किया वो सब्स्टिट्यूशन गोल था, तो हमें उससे फ़ायदा नहीं है। हमें फ़ायदा सिर्फ 3 प्लेयर से है, एक ईटो से, एक इवाओ से, और आकीमोटो से भी होगा अगर वो खेलेगा, ठीक है ना। आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, आपको पहले ही बोल दिया था कि योशियो गोल करेगा, जो जो बोला था वो हुआ उस मैच में, जो जो मैंने बोला था, साफ कहा था कि इसको मत छोड़ना, ये गोल करेगा, एंड क्या करके गया, डायरेक्ट गोल, और सिलेक्शन सिर्फ 52%, कईयों की टीम में ये भी नहीं था, आप सुन लो, ठीक है। एंड आगे से अगर बात करें डी मबर्च की, देखो ये सबका कैप्टन होगा क्योंकि सब लोग उरावा रेड्स को फेवर कर रहे थे पिछले मैच में, क्योंकि ये दूसरी लीग का मैच है, और डेविड मोबक सबका कैप्टन था, इंक्लूडेड मैं भी। एंड गुस्टावो हेंद्रिक्यू की बात करें, जैसे कि गुस्टावो हेंद्रिक्यू ने जब अपनी वापसी की, जब गोल किया, और जब गोल किया था वो सब्स्टिट्यूशनल गोल था एंड अच्छे पॉइंट्स दे गए। एंड एसमिन क्यू की बात करें, यहाँ पर है सॉन्ग मिन क्यू ने पिछले मैच के अंदर गोल करने की ट्राई की थी बट गोल हुआ नहीं, तो अगर आज गुस्टावो नहीं खेलता तो मैं कैप्टन बैरो को रखूँगा, और अगर आज गुस्टावो खेलता है तो मेरा कैप्टन गुस्टावो रहेगा। पहले ही बोल दिया, फिर आप बोलोगे वीडियो में बोला नहीं था, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर गुस्टावो नहीं खेलेगा देन माय कैप्टन वाज बैरो, और अगर खेलेगा तो मेरा कैप्टन यही रहेगा, और वाइस कैप्टन मैं मबर्च के साथ जाने वाला हूँ। ये रही मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सेकंड कैप्टन ऑप्शन वाज बैरो, ठीक है, इसके साथ जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।